जमात के बाद इज्तिमाई दुआ, इमाम साहब ऊंची ऊंची दुआ पढ़ें और मुक्तदी सारे आमीन कहें। यह तरीका ना रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में था, ना खुलाफाए राशिदीन रदी अल्लाह अन्हुम के दौरे खिलाफत में था, और ना सहाबा में से किसी सहाबी से ऐसी दुआ मांगना साबित है। दुआ इबादत है, और इबादत में तरीका अगर रसूलुल्लाह सल्लम का छोड़कर हम और तरीका इख्तियार करेंगे तो वो इबादत बातिल हो जाएगी। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। अल्लाह की इताअत करो और रसूलुल्लाह की इताअत करो, अपने अमलों को बातिल ना करो। इसका मतलब है अगर तुम्हारी इताअत अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से हट गई तो वह तुम्हारा अमल बातिल हो जाएगा। तो ये दुआ इबादत है, ये तो बातिल हो जाएगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तरीका छोड़ेंगे।